हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह बनाए शुभ टाइप बीट। जो शुभ का चेक सॉन्ग है अभी अभी आया, जिसकी वीडियो अभी अभी आई है, तो काफी पॉपुलर है। किस तरह उसको रिक्रिएट कर सकते हो, उसकी तरह म्यूजिक बना सकते हो आप। तो बातें कम काम ज्यादा, चले फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो मस्त होने वाली है, वीडियो को पूरी जरूर देखना, स्किप मत करना। तो जो सबसे पहली बात आती है तो वो आती है टेम्पो। जो टेम्पो है चेक सॉन्ग का वो है 90, ठीक है। तो और जो जॉनर लाए करता है वो किस जॉनर में लाए करता है, वो है हिप हॉप, और उसका टेम्पो है 90। हम भी 90 में बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप हिप हॉप के सैंपल यूज कर सकते हो। तो जॉनर, सबसे पहले आपको जॉनर पता होना चाहिए किस जॉनर में बना हुआ है गाना, तो हिप हॉप जॉनर में, ठीक है। तो बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले। आज मैं प्लेलिस्ट में आपको बनाना शुरू सिखाऊंगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में बनाना सिखाऊंगा। तो यहां से इस तरह से लूप करता हूं मैं। तो सबसे पहले किक लेते हैं, ठीक है। जो शुभ का चेक सॉन्ग है उसकी तरह मैं रिदम बनाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप अपने आप से क्रिएटिविटी दिखा सकते हो जो भी है, ठीक है। उसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा हिप हॉप बीट किस तरह बनती है, वो भी आइडिया मिल जाएगा। बस बने रहिए, ठीक है, वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो किक चूज करते हैं सबसे पहले, हिप हॉप सैंपल पैक किक। तो ये वाली किक मैं यहां पर सीधी ड्रैग करता हूं ऑडियो, ठीक है। किक मैंने ले ली, अब स्नेर चूज करते हैं, स्नेर इसको मैं सॉन्ग मोड पे लेके, ये सही लग रही है, इसको ड्रैग करता हूं यहां पे। ये भी ले लिया हमने, स्नेयर भी ले ली। चलो पहले किक और स्नेयर का पैटर्न बनाते, ठीक है। मेट्रोनोम ऑन करते, इसको चार बार में बनाते हैं, ठीक है, चार बार में बनाते, दो बार में बनाते, फिर आगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक इसके रेफरेंस में हम इसको प्ले करते करते अब हम एक चूज करेंगे हाई हैट अपने पास। तो इसमें आप लेयर वगैरह, क्लैप वगैरह लेयर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक क्लैप भी लेता हूं, इसको लेयर करता हूं, ठीक है। आप लेयर कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। लेयरिंग करने से क्या होता है, आपको एक पावर मिल जाती है, ठीक है, एक पावरफुल ड्रम। तो हिप हॉप में आपको पता है ड्रम ही सब कुछ होते हैं। जितनी ज्यादा आप ड्रम पावरफुल बनाओगे, ड्रम बीट बनाओगे जितनी ज्यादा पावरफुल, उतनी ज्यादा पंच करेगी वो, ठीक है। तो इसलिए लेयरिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये भी लेयर करता हूं मैं दूसरी वाली के साथ, ठीक है। यहां मैंने इस वाली के साथ और ये वाली क्लैप की यहां पे लेयर, और इसको मैं यहां पर लेयर कर रहा हूं। तो इसको कॉपी करते आगे, ठीक है, ये तो जो शुभ का चेक सॉन्ग है तो उसमें जो रिदम है, ठीक है, जो स्नेयर का पैटर्न है उसमें ऑफ बीट में स्नेयर प्ले हुई है, ठीक है। पहली स्नेयर ऑफ बीट में प्ले हो रखी है, ठीक है। तो मैं यहां पर इस तरह से इसको रखूंगा, इस तरह से टक टक, इस तरह से ऑफ बीट में इसमें, और इसकी मैं साउंड थोड़ी सी कम कर लूंगा, ठीक है। तो किक जो इसमें यूज हुई है, रिदम इस तरह का यूज हुआ है, टुं, टुं, टुं। तो जो पहली बार में इस तरह से रिदम है, बिल्कुल ही सिंपल रिदम है, सिंपल हिप हॉप रिदम, ठीक है। और यहां पर जो बैकअप स्नेयर है वो डबल यहां पर यूज हो रखी है, ठीक है। ये वाली ले लेता हूं मैं यहां पर, इस तरह से, तो इसके बाद जो इसमें यूज हुआ है वो हुआ है अपना क्या बोलते हैं उसको, ओपन हाई हैट इसमें बहुत यूज हो रखी है, ठीक है। ओपन हाई हैट ढूंढेंगे, सैंबल में जाएंगे, क्रैशेस और हाई हैट, ओपन हाई हैट, ठीक है। तो हम यहां पर ओपन हाई हैट भी ले लेते, ठीक है। तो जहां पर गैप है, जैसे मैंने बताया आपको, ओपन हाई हैट आप गैप में रख सकते हो, ठीक है। इसमें भी गैप में यूज हो रही है, ये इस तरह से आप इसको रख सकते हो, ठीक है। और यहां से आप इसको, जैसे मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी लंबी है, तो यहां से इसको मैं जाऊंगा यहां पर और आउट में थोड़ा सा इसको कम कर दूंगा, जो इसकी टेल है इसको मैं थोड़ी कम कर लूंगा। पहली वाली जो टेल है इसकी मैं कम कर लूंगा, पहली वाली की टेल, इस तरह से सही लगेगा, ठीक है। और यहां से इसको कट कर देते हैं, तो वो ग्रूव आना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में भी इसी तरह रखेंगे, ठीक है, ये। अब इसमें हाई हैट, हाई हैट का जो इसमें यूज हो रखा है वो बिल्कुल ही कहीं कहीं हो रखा है। तो यहां पर आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा, जो भी आप हाई हैट यूज करते हो मैक्सिमम टाइम किस तरह यूज करते हो, मैं आपको एग्जांपल दूंगा पहले,
ठीक है, आप मैक्सिमम टाइम हाई एट किस तरह यूज करते हो? इस तरह यूज करते हो हर टाइम, जब भी आप हाई एट यूज करते हो आप यूज करते हो इस तरह से। जरूरी नहीं है कि हर टाइम आप इसी तरह की हाई एट का यूज करो, ठीक है, जरूरी नहीं है। तो जो इस जो चेक सॉन्ग है शुभ का, उसमें जो हाई एट यूज हो रखी है वो गैप गैप में हो रखी है, ठीक है, यहां पर हो रखी है इस तरह से। और इसको मैं थोड़ी छोटी कर लेता हूं इस तरह से, इस तरह से हो रखी है इसमें। और इसको यहीं से आगे कॉपी कर लूंगा, ठीक है, सेम। तो जरूरी नहीं है आपने इस तरह से हाई एट रखनी है, आपने अपने हिसाब से जहां आपको लग रहा है उस हिसाब से आप हाई एट इसमें रख सकते हो, जहां जहां गैप है मतलब ग्रूव आता है। हर टाइम इस तरह से रखना और चॉप करना भी जरूरी नहीं है। तो इस सॉन्ग में बिल्कुल ही सिंपल हाई एट का पैटर्न है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। तो इतना हो गया है। तब इसमें एक क्रैश का यूज भी हो रखा है, तो क्रैश भी हम जल्दी से लेंगे। जो क्रैश क्या करता है, स्टार्टिंग में एक ग्रूव देता है, पंच देता है अपने रिदम को। ये क्रैश का यूज करूंगा मैं यहां पर, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लूंगा। तो इसमें जो रिवर्स क्रैश मैं यूज करूंगा, इसको रिवर्स कर दूंगा, सॉरी, इसको मेक यूनिक कर दूंगा यहां से, ठीक है, मेक यूनिक। अब इस पर डबल क्लिक करके इसको रिवर्स कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप पंच देने के लिए ना रिवर्स क्रैश का यूज कर सकते हो, ताकि जब वापसी ये वाला क्रैश और इस क्रैश पे वापसी हो जाए, ठीक है, तो एक इंपैक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इस तरह से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो नेक्स्ट बार के लिए, ठीक है। तो देखना यहां पर किस तरह से इंपैक्ट क्रिएट होगा आपके पास। तो देखो ये वाली क्रैश अगर रिवर्स करके इस पे जा रही है, तो एक इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है एंड में, ठीक है। इस तरह से आप इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो जहां जहां आपने करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज इसमें जो यूज हो रखा है वो बाकी तो इतने ही एलिमेंट इसमें यूज हो रखे, बाकी अब जाएंगे ए टू एट पे। बेस इसमें बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज हो रखा है, तो एक यहां पर जल्दी से ए टू एट चूज करेंगे, ठीक है, एक ए टू एट चूज कर, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ए टू एट को आपको पता है किक और उसके साथ आप रख सकते हो, किक और जो आपका जहां जहां किक है आप वहां वहां रख सकते हो ए टू, ठीक है। तो इसको पहले यहां से मैं कट इट सेल्फ कर देता हूं, ठीक है, इस तरह रखेंगे जहां जहां किक है, ठीक है। तो यहां पे भी मैं इसको किक के हिसाब से रखूंगा, जहां जहां किक है अपनी उसके नीचे, और यहां से कट कर दूंगा जहां जहां किक है, सॉरी क्या हो रहा है, और यहां भी किक के हिसाब से, ठीक है। तो आप इसको यहां से फेड भी कर सकते हो, FL21 है आपके पास, तो आप यहां से इस तरह इसको फेड भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही सही वाला इंपैक्ट आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसकी जो साउंड है मैं थोड़ी सी कम करता हूं, ज्यादा ही सुनाई दे रहा, ठीक है। अब सुनते हैं, तो इस तरह से जो रिदम वाला पोर्शन है वो हमारा बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप बिल्कुल ही सिंपल वे में जो रिदम है, देखो बिल्कुल ही सिंपल, आप तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा हिप हॉप रिदम किस तरह बनती है, तो आप अपने हिसाब से यूनिक भी बना सकते हो। तो मैं जो चेक सॉन्ग है उसमें जो जो एलिमेंट यूज हुआ है उसका आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अब चल ठीक है, अब बनाएंगे हम अपने कॉर्ड्स, ठीक है। तो यहां पर जाएंगे, कोई भी एक फ्लैक्स लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से मैं कोई भी पियानो चूज कर लेता हूं, ठीक है। तो इसमें जो की यूज हो रखी है, जो इस सॉन्ग की है, वो है ई माइनर, ठीक है। तो ई माइनर पे हम कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है, F7 अंदर गए, ई माइनर पे कॉर्ड बनाएंगे, ठीक है। यहां पर गए स्केल हाइलाइटिंग, व्यू पे गए स्केल हाइलाइटिंग और ई नेचुरल माइनर, ठीक है। पहली कॉर्ड बनाएंगे, तो इसमें नॉर्मल सी कॉर्ड का यूज हुआ है इस तरह से, इसमें दो कॉर्ड का यूज हुआ है ओनली, फर्स्ट और सिक्स, ठीक है, दो कॉर्ड का यूज हुआ है सिर्फ, ठीक है। तो इसको हम इसी तरह आगे कॉपी करेंगे, ठीक है। तो और इसको मैं यहां से थोड़ा सा एंड में ले लूंगा, यहां पर वेरिएशन है, ठीक है, इस तरह से, और यहां पर कॉर्ड में वेरिएशन देगा, कॉर्ड वही रहेगी। और मैंने जो नो म्यूजिक थ्योरी पे आपको बताया लेक्चर, उसे इन्वर्ट करना सिखाया था आपको कॉर्ड को, क्योंकि मैं यहां पर इन्वर्ट करूंगा इस तरह से, इसको ऊपर ले जाऊंगा कंट्रोल अप,
ठीक है, इन्वर्ट होगी कॉर्ड। तो सिंपल इसी तरह की कॉर्ड का इसमें यूज हो रखा है, ज्यादा कुछ हो नहीं रखा है। ठीक है, आप बेस नोट भी इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, बेस नोट नीचे को यूज कर सकते हो और ज्यादा इसमें भराव देने के लिए। ठीक है, तो दो कॉर्ड का यूज हुआ, तो इसी तरह हम इसमें कॉर्ड प्ले करेंगे। तो नेक्स्ट चीज इसमें मेलोडी है, मेलोडी हम यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक गिटार का यूज हुआ, तो इलेक्ट्रिक गिटार में मतलब स्टॉक प्लगइन से आपको सिखाऊंगा किस तरह स्टॉक प्लगइन से आप बना सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक गिटार यहीं पे मेरे पास है, इसमें जो फ्लैक्स में है। ठीक है, गिटार में जाऊंगा, मेरे पास सेम टू सेम गिटार तो नहीं है पर उसकी तरह बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ है। तो इस तरह का कुछ गिटार का यूज इसमें हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर हम मेलोडी क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो इसमें मेलोडी यूज हुई है बहुत ही सिंपल सी मेलोडी है, रिपीट होती रहती है बार बार। ठीक है, तो अब मेलोडी बनाने यहां से शुरू करूंगा मैं। ठीक है, तो इसमें मेलोडी जो स्टार्ट हो रखी है वो हो रखी है अपनी पा से। ठीक है, पा से शुरू हो रखी, ए नोट है, इसे फाइव नोट नीचे यहां से शुरू है। इस तरह से। तो यहां से इसको आगे कॉपी करूंगा, यहां से नीचे की ओर ले गया गया है इसको, नीचे की ओर इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह की कुछ मेलोडीज में प्ले हो रखी है। ठीक है, तो इसको मैं ऑल टार करके रैंडमाइज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंपल मेलोडी भी बना सकते हो। तो अपने पास मैक्सिमम रिदम इसमें बन के तैयार हो गया और मेलोडी भी बन के तैयार हो गई है। और यहां पर मैं यूज करने वाला हूं एक, इसमें हिट का साउंड यूज हुआ है। ठीक है, हिट का साउंड मतलब ब्रास का साउंड हुआ है, जहां जहां अपनी किक है वहां वहां ब्रास का साउंड इसमें यूज हो रखा है। ठीक है, इस तरह डूम ब्रास का साउंड यहां पर ढूंढेंगे, कहीं भी ढूंढते हम ब्रास का साउंड। इसकी साउंड में जाता हूं मैं, वहां एग्जांपल आपको देता हूं। ठीक है, ये ऐसे हिट साउंड आप कहीं से भी यूज कर सकते हो, मेरे पास यहाँ ब्रास की साउंड पड़ी होगी, वो भी आपको एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, ब्रास में नहीं होगा, वो होगा एफएक्स में होके स्टेब्स इसमें हो सकता है। चलो इसी का यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर वाले ऑक्टेव में लेके आता हूं मैं। तो देखो इंपैक्ट इसने क्रिएट कर दिया, इस तरह आप ब्रास का साउंड का इंपैक्ट यहां पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो किस तरह क्रिएट करा, अगर मैं यहां पर मेलोडी बंद करूं, अगर मैं इसको बंद करूं, देखो उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा। तो पूरा इंपैक्ट इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक इंपैक्ट इसने क्रिएट कर दिया हमारे पास यहां पर। और यहां से मैं इसको पहले ई पे है ना, तो इस तरह ई पे ट्यून करूंगा, उसके बाद ये हमारी स्केल के साथ मैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितना इंपैक्ट इसने क्रिएट कर दिया, एक स्पेक्ट्रम फिल कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा सा अरेंजमेंट आपको लगे कि हाँ भाई वही वाला सॉन्ग है। ठीक है, तो क्या करना, अगर आपके पास इस तरह आपने सेलेक्ट कर देना, कई बार क्या होता है आप इसको अरेंज करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है कई बार क्या होता है, कुछ चीजें आपने रिमूव करनी होती है। तो एक मस्त आइडिया आपको बताऊंगा मैं, एक मस्त हैक बताऊंगा किस तरह इसको ग्रुप कर सकते हो आप, और उसके बाद मर्ज कर सकते हो आपस में, और उसके बाद इसको जहां मर्जी ले जाना, अपनी मर्जी से कर सकते हो। कंट्रोल जी, जो चीज आपने मर्ज करनी है, पिक को मर्ज करना है, कंट्रोल जी, तो सारी एक पैटर्न में मर्ज हो जाएगी। देखो इस तरह से आगे ले जाने में आपको इजी हो जाएगी। फिर क्लैप को कंट्रोल जी, एक एक चीज आपने इस तरह से आपस में कर देनी है। ठीक है, ये भी कर देता हूं मैं कंट्रोल जी, और इन प्रकर्शन वगैरह को आप एक साथ भी कर सकते हो या फिर अलग अलग कर सकते हो। कंट्रोल जी, जल्दी जल्दी करते हैं। अब क्या करूंगा मैं, यहां से इसको कंट्रोल बी करके आगे 8 बार का बना दूंगा। ठीक है, 8 बार या 16 बार का। ठीक है, अरेंजमेंट भी आपको यहां पर सिखा लेता हूं थोड़ी बहुत, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्टिंग में क्या है, इसको यहां से इस तरह कर लेते हैं,
स्टार्टिंग में आपने क्या रखना है? स्टार्टिंग में जैसे चेक सॉन्ग आपने सुना होगा, उसमें मेलोडी है, 4 बार की मेलोडी है या फिर 8 बार का, ठीक है? 4 बार का इंट्रो है मेलोडी का, उसके बाद शुरू होते हैं अपने जो प्रकर्शन वगैरह, क्लैब वगैरह शुरू होती है। तो स्टार्टिंग में हम क्या रख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है इसी सॉन्ग के लिए, आप इससे आपको आइडिया मिल जाएगा अरेंजमेंट किस तरह आप कर सकते हो, ठीक है? तो यहां से मैं स्टार्टिंग में क्या रखूंगा, यहां रखूंगा मैं सिर्फ मेलोडी और अपना ये हिट को यहां से हटा दूंगा, मैं हिट्स को यहां रखूंगा, मैं इसको पहले हटा देते हैं यहां से। स्टार्टिंग में हम रखेंगे मेलोडी सिर्फ, ठीक है? ये है मेलोडी अपनी, ये स्टार्टिंग में मेलोडी इंट्रो 4 बार का, ठीक है? तो यहां पर मैं ये वाली क्रैश का, रिवर्स क्रैश का यूज करूंगा इंपैक्ट देने के लिए आगे के लिए इस तरह का, ठीक है? तो यहां से मेलोडी इसमें कंटिन्यू प्ले होती रही, ये मेलोडी और कॉर्ड इसमें कंटिन्यू प्ले हो रही है, ठीक है, इस सॉन्ग में, ठीक है? आप कंटिन्यू भी प्ले कर सकते हो या वेरिएशन भी दे सकते हो, कहीं भी आप वेरिएशन दे सकते हो, थोड़ा सा आइडिया मिल जाए आपको, यही काफी है। तो ऊपर वाले से मैं किक हटा दूंगा और जो ये स्नेयर वगैरह का पैटर्न है यहाँ प्ले करूंगा, और हाई हैट भी यहाँ पर नहीं प्ले करूंगा, और 808 जो प्ले होता है इसमें 8 बार के बाद, जैसे ही रिपीट हो जाता है जो वर्स है इसमें रिपीट हो जाता है, ठीक है, हुक, सॉरी, हुक रिपीट होता है, उसके बाद इसमें सारी चीजें एलिमेंट आएगी, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, 4 बार का यहां हो गया, उसके बाद आप क्लैप वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? तो जैसे ही यहां पर आपको पता है कि यहां पर अपना पहला जो लाइने है वो यहां पर खत्म हो रही है, तो आप यहां पर इस तरह का कट दे सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद नेक्स्ट चीज शुरू कर सकते हो, आप हर 4 बार के बाद इस तरह का कट दे सकते हो, 1 2 एक दो, ठीक है, 4 बार होगी ना, 1 2 3 4, तो यहां भी कट दे सकते हो आप अपने हिसाब से, 2 बार का, 1 बार का, और यहां पर इम्पैक्ट का वगैरह का जो आपके पास जिस तरह के वो है, क्या बोलते हैं उसको यार, राइजर वगैरह है, और जो एफएक्स वगैरह का यूज आप गैप में कर सकते हो, ठीक है? यहां भी मैंने गैप दे दिया, और एंड में भी यहां पर मैं इस तरह का गैप दूंगा। यहां क्या यूज करूंगा मैं, एफएक्स, उससे क्या मतलब, एक इम्पैक्ट जैसा क्रिएट होता है, ठीक है? जहां जहां गैप है वहां मैं जरा एफएक्स का यूज करता हूँ, ठीक है? वापस जाता हूँ जो मेरे पास सैंपल पैक था, साइमेटिक डायमंड, यहाँ एफएक्स इस तरह का। ये गन शॉट यहां पर डालते हैं, ठीक है, गन शॉट डालते हैं इस तरह का, कि जहां जहां गैप लग रहा है आपको वहां वहां गन शॉट आप डाल सकते हो, जहां जहां मतलब अगला आपको लग रहा है कि अगले पावरफुल लाइनें आने वाली है, ठीक है? और यहां पर इस तरह का रख सकता हूं, अगर मैं गन शॉट का गोली भी होगी उसको रख लेता हूं मैं, गन शॉट के बाद शॉट है जो गोली नहीं है शायद इसमें, अरे यार एक तो बैक उतर है, चलो इसी को रख लेते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो इस तरह के एफएक्स, जहां जहां गैप है वहां पर एफएक्स का यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट इसमें क्रिएट होता है आपकी बीट, जैसे भी हिप हॉप बीट बना रहे हो, जो भी मर्जी बना रहे हो, गैप बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? और यहां पर भी आप इस तरह का गैप दे सकते हो, ठीक है, गन शॉट दे सकते हो या फिर बाद में इस तरह का गैप दे सकते हो, ठीक है? तो यहां पर इस तरह का मैं दूंगा इस तरह का, और यहां ये वाली गन शॉट वाली रखूंगा, ठीक है? तो एक बार पूरी बीट सुनते हैं क्या हमने तैयार किया। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, ये बात मैं हमेशा बोलता हूं आपको, जब भी आप बीट बनाने बैठते हो तो ऐसा हर टाइम नहीं होता है कि आप एक ही बार में सारी बीट बना के कंप्लीट कर दो, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा अगर आप थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाता है एक बार में, उसके बाद आप आधे घंटे बाद बैठ सकते हो, 1 घंटे बाद बैठ सकते हो, सेशन में जिस तरह आपने बैठना उस हिसाब से आप बैठ सकते हो, फिर जाके आप इसमें और क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ठीक है? एक बार स्टार्टिंग से सुनते हैं क्या बना अपने पास, ठीक है?
तो इस तरह बना सकते हो आप शुभ टाइप बीट, जो हिप हॉप बीट है, ग्रुप इस तरह बना सकते हो सिंपल। मैंने चेक सॉन्ग है जो शुभ का, वो इस तरह बना हुआ है, तो मैंने एक बार सुना था तो उसके बाद मैंने अभी रिक्रिएट किया है, ठीक है। ब्रेक डाउन टाइप समझ लो उसको, लिरिक्स नहीं है इसमें बस। तो जो मैंने सुना था मेरे माइंड में था, और जो जो उतारा मैंने परे, थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, मेलोडी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर स्केल थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पर ये इतना है कि माइनर स्केल थी, ई माइनर थी शायद, जो मेरे माइंड में आए तो मैंने ऑटोमेटिक बना दिया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हैक के साथ, और स्टार्ट टू फिनिश अब कोर्स कंटिन्यू आते रहेंगे, तो बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और चैनल को सपोर्ट कर दो। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।